सत श्री अकाल, आदाब, जय जिनेंद्र। मैं अंकुर जैन कृति समूह की ओर से आप सभी डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी एवं आपका परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। इस संकट की घड़ी में संयम और धैर्य के साथ अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना, यही हमारी सबकी प्राथमिकता रहेगी। और कृति समूह आप सभी को आश्वस्त करता है कि हम आवश्यक सावधानियों के साथ समस्त डीलर बंधुओं को सेवा प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं, और अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी भी जरूरी सावधानियों का अपने अपने क्षेत्र में पालन कर रहे होंगे। आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हम सभी की सुविधा और कार्यक्रम के सुगम संचालन के लिए यह प्रावधान किया गया है कि आप अपने सवाल हमें यहाँ चैट रूम में भेज सकते हैं, या फिर हमारे नेशनल सेल्स हेड श्री V.S. रंगनाथन एवं श्री गुरु प्रसाद जी को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो MD के संबोधन के बाद हमारे दोनों नेशनल सेल्स हेड समाहित करके आपकी सभी के सवालों को आपकी तरफ से MD सर से पूछेंगे, और MD सर आपके उन सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आरंभ करने की मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ और आमंत्रित करता हूँ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शिव सिंह मेहता जी को कि वो हम सभी को संबोधित करें और आने वाले समय के लिए प्रेरणा दें। ओवर टू यू सर। थैंक यू। आप सभी डीलर बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप सब समय लेके और हम सब के साथ बातचीत के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर्वप्रथम मैं कृति और कास्ता परिवार के आप सभी साथियों का, उनके परिवारों का, सगे संबंधियों का स्वास्थ्य और मंगल जीवन जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप सभी से इस संचार माध्यम से जुड़ने का यह मेरा पहला अनुभव है और शायद बदलती हुई सच्चाई का यह एक परिचायक है। आज सभी के मन में कई तरह के प्रश्न हैं, कई तरह की डर हैं और हम सब आशंकित हैं वर्तमान और भविष्य को लेके। ऐसे समय पे क्या चीज हम करें, कैसे हम वह कुछ ताकत अपने आप में लाने की कोशिश करें कि हम किसी न किसी तरीके से न केवल आज पर आने वाले भविष्य को सुंदर सुनहरा, अपने बच्चों के लिए आने वाला विश्व एक स्वस्थ और अच्छा बना सकें। एक आर्थिक इकाई के रूप में हमारा समाज के कई वर्गों के प्रति उत्तरदायित्व है। समाज के कई वर्ग बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं। इस कार्य के लिए आपकी कंपनी ने भी स्वयं व कई संस्थाओं के माध्यम से, कई संगठनों के माध्यम से दायित्व का निर्वाह करने का प्रयास किया है। हम इस प्रयास में निरंतर संलग्न रहेंगे।
मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि आपके अंचल में भी कोई आवश्यकता हो तो आप संपर्क करें, हम साथ में कुछ प्रयास करने की कोशिश कर सकते हैं। गांधी जी ने व्यक्तिवाद को नैतिकता के एजेंट के रूप में निरूपित किया था। भारतीय संस्कृति व सामाजिक मनोविज्ञान में इसकी बहुत अहमियत है। अब मैं आपको कोविड के स्वरूप के बारे में 2 मिनट बात करना चाहता हूं। देखिए, कोविड के कई स्वरूप उभर सकते हैं। एक, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस आया, जल्दी से चला जाएगा। दूसरा मंतव्य हो सकता है, वायरस व मंदी 6 और 8 महीने चलेगी, अर्थात सितंबर अक्टूबर नवंबर तक। तीसरा ये हो सकता है कि वायरस एक बार आएगा, कुछ शांत होगा, परंतु 6-7 महीने बाद फिर लौटेगा। विश्व भर की विशेष स्टडीज कई लोगों के द्वारा इन्हीं संभावनाओं की तरफ इंगित करती हैं। परंतु अगर हम सबके विचारों का आकलन करें सामाजिक गणित या साइंस के मॉडल के द्वारा, तो केस 1 10% संभावना निकलती है, केस 3 की 30% संभावना निकलती है और केस 2 की 60% संभावना निकलती है। इसका मतलब यह है, हम यह मान के चलें कि अगले 6-7 महीने हमें इस सच्चाई के साथ गुजरने पड़ेंगे। और यह भी कोई निश्चित नहीं कि यही हो, और भी कई बदलाव और स्वरूप इसके हमारे सामने पेश हो सकते हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों के सामने उनको मुकाबला करने के लिए एकजुटता, हाई लेवल ऑफ एकजुटता, सॉलिडेटरी की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में यदि हम आपस में बात करने की शक्ति खो दें, तो हम कोई भी व्यवस्था को या शासित करने के तरीकों को ताकत नहीं दे पाएंगे, या यूं कहूं हम वह ताकत ही खो देंगे। अच्छे आदान प्रदान के लिए खुलेपन की आवश्यकता है। हमारे मेंटल मॉडल्स इसमें रुणा न बन सके, यह अति आवश्यक है, क्योंकि जो मेंटल मॉडल्स होते हैं, जो हमारी सोचने की आंतरिक प्रक्रिया होती है, वह हमारे पुराने अनुभव पर आश्रित होती है। और आज का जमाना, आने वाला समय पुराने से जुदा है, अलग है, भिन्न है, हमारे लिए नवीन है, नया तरीका है। इस बात को हमें बहुत ठीक से अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। इसी तारतम्य में आज की यह बैठक एक आवश्यक कदम है। मैंने मेरे पत्र के माध्यम से आपको 7 बिंदुओं की ओर आकर्षित किया था और सतर्क रहने का निवेदन किया था। मैं उन्हें पुनः दोहराना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा था कि जो आपको तैयारी करनी है, पहला, संवाद व संचार व्यवस्था। आपको बहुत ठीक से देख लेना चाहिए कि पुरानी और नई आपकी संवाद और संचार व्यवस्था को कैसे आज के परिप्रेक्ष्य में आप परिमार्जित करेंगे। दूसरा, मैंने कहा था ग्राहक से लाइव संपर्क, बदलते हुए परिवेश में
क्या आप पुराने तरीकों से संपर्क कर पाएंगे या किस बेहतर तरीके से आप संपर्क कर सकते हैं, यह सूचना आवश्यक है। विपणन के तौर तरीके, इस बारे में आप बखूबी जानते हैं और आपको इसके लिए रोज के अनुभवों को इस्तेमाल करते हुए, दूसरों को देखते हुए, दूसरी इंडस्ट्रीज को देखते हुए निरंतर सुधार करना है। एक बार का काम नहीं, ये निरंतरता का है। चौथा, उधार पर नियंत्रण। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे सामने है और ये कोई जाने वाली नहीं है। इसके अंदर, जैसा मैंने शुरू में कहा था, कई विनर्स बनेंगे, कई लूजर्स बनेंगे। इसलिए उधार पर नियंत्रण करिए, कैश इज किंग, इसका ध्यान रखिए। पांचवा, लाभ व मार्जिन के प्रति सजगता। इस बात को आप अच्छे से समझते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं, इसका आप ध्यान रखें। छठा, सक्रिय कार्रवाई। देखिए, अब कार्रवाई में समय नहीं होता है, एक्शन एट स्पीड ऑफ थॉट, इसलिए सक्रिय कार्यवाही बहुत आवश्यक है। और सातवां, कम से कम आने वाले 6-8 महीने तक खर्च पर लगाम। बहुत केयरफुल रहिए, आपको समझना है कि खर्च एक एरिया है जिसपे आपका ध्यान रहना चाहिए, जब तक कि स्थिति नियंत्रण में ना आए, जब तक आप खुले मन से, स्पष्ट दृष्टि से आने वाले समय की व्याख्या न कर सकें। मुझे विश्वास है कि आपने इस ओर ध्यान देना जरूर शुरू कर दिया होगा। याद रखें, ग्राहक आपको देख रहे हैं, वे भी इस परिवर्तन के साक्षी हैं। समाज व ग्राहक को आपके अंदर बदलाव दिखना आवश्यक है, क्योंकि वह आपका मूल्यांकन कर रहे हैं। अन्यथा धीरे धीरे वह आपको रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वह भी बदल गया, वो पुराना वाला ग्राहक अब नहीं रहने वाला। परिवर्तनशील की तरफ नेचुरली ऐसे समय पर हर जना आकर्षित होता है, वह तब विश्वास करता है कि आप उसे सेवा देने में सक्षम हैं, और तभी वह आपसे रिश्ता स्थापित करता है या मेंटेन करता है। आज का यूथ आपका आने वाले 10 वर्ष का ग्राहक है, उसका सोच व तर्क और तेजी से बदलेगा। इस बात को समझकर आप अपनी कार्य पद्धति में बदलाव लाइए। एक बार फिर मैं आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं, और आपके जो प्रश्न हो, आपके मन में जो चिंताएं हो, आप पूछिए, कोशिश करके मैं आपको उसका ठीक से जवाब देने की प्रयास करूंगा। धन्यवाद। सभी पधारे कृति और कास्ता डीलरों का मैं स्वागत करना चाहता हूं। यह पहली बार है कि संपूर्ण कृति परिवार एक वेबिनार के द्वारा आपस में जुड़ रहा है, और मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताते हुए कि कंपनी पूरी तैयारी के साथ कोरोना क्राइसिस का मुकाबला करने की योजना बना रही है और उसके ऊपर कार्य कर रही है। नई टेक्नोलॉजी हम पूरी तरीके से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि इस बदलते हुए एनवायरनमेंट में हमें काम करने में कहीं रुकावट
का सामना ना करना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे शब्द बन गए हैं जिनके ऊपर शायद हम एक महीने पहले बहुत गहराई के साथ सोचते नहीं थे, लेकिन आज आप देखिए हम सब वेब के ऊपर मिल रहे हैं, सारे डीलर बंधु साथ एकत्रित हुए हैं और इसी तरीके की अन्य टेक्नोलॉजी का हम कृति और कास्ता दोनों में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि जो हमारे सामने नए परिवेश की अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनके ऊपर हम काम कर सकें। दोस्तों ये समय है हमको हमारे पूरे कार्य करने के और बिजनेस करने के तरीके में इन टेक्नोलॉजीज को अपनाने का। मैं यही कामना करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, आपके परिवार वाले सब स्वस्थ हैं और आपके व्यवसाय में भी सब स्वस्थ हैं। स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जल्द ही मिलेंगे वापस से। धन्यवाद।